हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे एक से ज़्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और आप उसको फेलओवर के केस में चलाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है? उस केस में या तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आप मैन्युअली स्विच करते होंगे, या दो अलग सेपरेट नेटवर्क आपने सेटअप कर रखा हो। लेकिन एक इस चीज़ को बहुत ईजी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है फेल हो, एक अगर फेल होता है तो दूसरे बैकअप ब्रॉडबैंड पे चला जाता है कनेक्शन, और या बैकअप फेल होता है तो प्राइमरी वैन पे चला आता है। तो ऑटोमेटिक फेलियर हो, अगर फेलियर के केस में आपका लोड बैलेंसिंग होता रहेगा, तो आपको मैन्युअली स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेटवर्क को। तो उसके लिए आपको एक हार्डवेयर आता है, प्लान्स आता है, टीपी लिंक या और भी बहुत से ऐसे ब्रांड है जो इसके लिए मतलब यूज़ किया जाता है लोड बैलेंसिंग के लिए। तो हमारे पास एक टीपी लिंक का लोड बैलेंसर है, TL-R470T+, या और भी मार्केट में अवेलेबल है ब्रॉडबैंड लोड बैलेंसर। तो इसको आप इसमें अगर कन्फिगर कर देते हैं अपने दोनों वैन पोर्ट, या दो से ज़्यादा अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये टाइम वेस्ट पे या फेल फेल के केस में ऑटोमेटिक दूसरे वैन पोर्ट पे वो स्विच कर जाएगा, जो कि आपका इंटरनेट कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उसके लिए आपको मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको लॉगिन करने के बाद और सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप, क्विक सेटअप जाएंगे। क्विक सेटअप में आप यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगा, उसमें नेस्ट करेंगे। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके पास कितने वैन पोर्ट हैं, 1, 2 या 3। तो आपने जैसे कि 3 वैन पोर्ट है तो आपने 3 सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट किए। तो वैन 1 को आपने सेलेक्ट किया, और इसको अगर आपका जो वैन 1 पोर्ट है, यानी कि ब्रॉडबैंड 1 कनेक्शन जो है वो TPPV कनेक्शन है, तो उसको सेलेक्ट किया। डायनमिक IP है या स्टैटिक, तो TPPV है अगर है तो उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड, नेक्स्ट। और इस तरह आप पहला पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपका कनेक्शन TPPoE है तो। फिर नेक्स्ट, अब वैन पोर्ट 2 है, अगर वैन पोर्ट 2 को कॉन्फ़िगर किया, और अगर आपका वैन पोर्ट 2 कनेक्शन इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है, जैसे TPPoE है, डायनमिक IP है, स्टैटिक IP है। अगर फॉर एग्जांपल मान लिया कि डायनमिक IP है, तो डायनमिक IP सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, और आपका दूसरा पोर्ट भी कन्फिगर होगा। इसी तरह आप तीसरे को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट किया। अगर वो तीसरा कनेक्शन मान लीजिए कि आपका स्टैटिक IP कन्फिगरेशन है या जो भी हो, तो आप उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे IP उसकी कनेक्शन का, वैन पोर्ट की, वैन कनेक्शन की डिटेल्स में डाल के नेक्स्ट करेंगे, और फिर आपका तीनों कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, इस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया गया। उसके बाद आपको जो होता है लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना होता है कि कौन से के और किस केस में जो है कब फेलोअर होता रहे। उसके लिए आपको एडवांस में जाना होगा और लोड बैलेंस में जाना होगा। लोड मैनेज में यहाँ पे लिंक बैकअप होगा। लिंक बैकअप में मान लीजिए अगर आपका पास 2 वैन पोर्ट है, वैन 1 और वैन 2, जैसे आपने मैंने 3 का दिया, तो मैंने अभी इसमें 2 ही वैन पोर्ट हमारे पास है, तो 2 वैन पोर्ट को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया किया हुआ है अगर, तो एक इसको वैन 1 को हमने प्राइमरी सेलेक्ट कर लिया और वैन 2 को सेकेंडरी सेलेक्ट किया। और यहाँ पर 2 मोड ऑप्शन है, टाइमिंग मोड और फेलओवर के मोड में। टाइमिंग मोड में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर टाइमिंग 24 घंटे, डेटा फुल किस किस दिन में आपको टाइमिंग का ये चलता रहे वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे कि प्राइमरी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वैन 1 प्राइमरी और वैन 2 बैकअप वैन, और उसको सेलेक्ट करके और एक्टिवेट कर देंगे। तो और इसमें टाइमिंग सेट कर देंगे कि किस किस टाइम पे प्राइमरी वैन मान लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक वो चलेगा, और सेकेंडरी वैन इतने से इतने बजे के बीच में चलेगा। तो ये टाइम बेस्ड हो गया। उसी तरह सेकेंड ऑप्शन है, दूसरा मोड है फेलोवर मोड। फेलोवर में मोड में आपको सेलेक्ट किया तो आपके मान लिए दो, तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, फेलोवर किस केस में होगा, कब होगा, मतलब बैकअप वैन कब पोर्ट चलेगा। तो इसमें ऑप्शन दिया एक्टिव वैन पोर्ट,
एक्टिव बैकअप वैन व्हेन एनी प्राइमरी वैन पोर्ट फेल्ड। अगर हमारे पास एक ही है, अगर एक से ज़्यादा है तब तो उसमें से तीन, अगर मान ली दो है तीन है प्राइमरी वैन हमने बना रखा है, उसमें से अगर कोई एक भी फेल होता है तो बैकअप वैन चल पड़ेगा। या अगर आपके पास एक ही प्राइमरी है और एक ही बैकअप वैन है तो उसमें अगर प्राइमरी फेल होता है तो सेकेंडरी पे स्विच कर जाएगा। और सेकेंड एक्टिव वैन 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 ऑल द प्राइमरी वैन पोर्ट फोल्ड। तो दोनों केस में अगर आपके पास एक ही दो ही कनेक्शन है ब्रॉडबैंड के, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये दोनों के केस में ये दोनों एक ही बराबर जैसे काम करेगा। लेकिन एक से ज़्यादा अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो दोनों में उसमें से ये होगा कि सेकेंड ऑप्शन तब आएगा जब जब प्राइमरी के सभी वैन पोर्ट डाउन हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो बैकअप वैन पोर्ट चल पड़ेगा। उसको अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेव कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे तो आपका ये बैकअप वैन, ये मतलब लिंक बैकअप जो है लोड बैलेंसिंग चल पड़ेगा। तो ये रहा एक बेसिक सेटिंग जो आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो इससे आपका लोड बैलेंसिंग होता रहेगा, इससे इजीली फेल होने के केस में आपका इंटरनेट कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द आईटी सेशन लाइव।